मेरा नमस्कार। थोड़ी ही देर में हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर आने वाले हैं। यहां उपस्थित माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री भूपेंद्र चौधरी जी, नायब सिंह सैनी जी, श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, सुभाष यदुवंश जी, जयंत चौधरी जी अभी अभी पधारे हैं, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, संजय निषाद जी, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आप सभी और सभी सम्मानित आदरणीय, आप सबके चरणों में प्रणाम, आप सबको नमस्कार। जी जी, आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि हम सब आप सब देख रहे हैं, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को गौरव सम्मान दिया जाना है। चौधरी चरण सिंह जी एक जमीनी नेता थे। उनके काल में इस देश ने बहुत प्रगति की। उनके पोते जयंत चौधरी जी यहां बैठे हैं। हम चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आज यहां नमन करते हैं। आज मेरठ की क्रांति भूमि, मेरठ की क्रांति भूमि से एक आगाज हुआ था 1857 में, जिसका नतीजा यह हुआ था कि हमने बहुत सारे संघर्ष के बाद आजादी हासिल की थी। आज यहां से भी एक आगाज हो रहा है। इस चुनाव का देखिए, एक आवाज ऊपर आसमान में है इस समय, और उस वो आवाज है एक चुनावी शंखनाद इस चुनाव का। और इस ये जो आगाज आज यहां होगा, ये आगाज इस चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगा। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। उनके सामने शब्द छोटे पड़ते हैं। मैं आपको रामायण का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। रामायण में एक दिन गुरु वशिष्ठ के सामने श्री राम, जो नवयुवक अवस्था में से वो बैठे हुए थे, थोड़े दुखी थे। गुरु वशिष्ठ ने उनसे पूछा कि राम, क्या समस्या है? और श्री राम ने कहा, मैं देख रहा था पेड़ के पत्तों को, हवा चलती है और अचानक गिर जाते हैं, हवा चलती है और अचानक जो फल है वो गिर जाते हैं। जीवन कितना क्षणिक है। तब गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि हां, जीवन क्षणिक होता है, लेकिन उन क्षणों में भी व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो अपना इतिहास बना दें। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्हीं कुछ पलों में इतिहास बना दिया है, और आगे भी और इतिहास बनने बाकी हैं। उन्होंने इतिहास बना दिया देश में, विश्व में, और ऐसे ही नहीं, अपनी विरासत को कायम रखते हुए, अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए, और न केवल कायम रखते हुए, उसे बढ़ाते हुए विरासत के साथ विकास, ये एक ऐसा उदाहरण है जो कहीं देखने को नहीं मिलता। जब हम विकास करते हैं तो अपनी विरासत को भूल जाते हैं। उज्जैन में महाकाल, बनारस में बाबा विश्वनाथ, और अयोध्या में रामलला। जब कभी यहां लखनऊ और उसके आसपास आता था तो मैं अयोध्या हमेशा जाता था, लेकिन वहां पहुंचकर और वहां से लौटते हुए मुझे जो दुख का एहसास होता था उसका बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि रामलला के दर्शन नहीं होते थे।
रामलला हमें मिले, और न केवल रामलला, हमारे प्रधानमंत्री राजकाज तो करते ही हैं लेकिन राम का काज भी करते हैं। रामलला तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर ही दी। जिस व्यक्ति ने श्री राम का चरित्र किया था, यानी कि मैं, मुझे भी मेरे घर वापस बुला लिया है, यानी कि मेरठ, मैं मेरठ में जन्मा, मेरठ में पला बढ़ा और मेरठ में ही मेरी पढ़ाई हुई है। आप सबसे आग्रह है कि उन्होंने जो विश्वास मुझ पर रखा है, जो आपने विश्वास रखा है, जो माननीय योगी जी ने विश्वास रखा है मुझ पर,